अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जॉली असीम हाजिर है फिर नई एक वीडियो के साथ। दोस्तों जो मेरा जॉली असीम का हेल्थ सेक्शन है, जिसके अंदर मुझसे एक सेक्शन मैं आपके लिए वेजिटेबल, फ्रूट्स, हर्ब, स्पाइस और मुझसे खाने पीने वाली चीज़ों के बारे में इन्फॉर्मेशन लेकर आता हूँ। आपको यूजेस बताता हूँ, आपको न्यूट्रन फैक्ट्स बताता हूँ, आपको बेनिफिट्स बताता हूँ, आपको साइड इफेक्ट्स बताता हूँ। तो दोस्तों आज मैंने आप लोगों के लिए एक ज़बरदस्त किस्म की जड़ी बूटी को सिलेक्ट किया है। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को चरायता के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन दूंगा। और दोस्तों साइंटिफिक तौर पर इंग्लिश में चरायता को स्वाटिया चराता बोला जाता है। और दोस्तों चरायता के ऊपर बहुत ही खूबसूरत कलर के जामनी और नीले रंग के फूल आते हैं। और दोस्तों इसे चाइनीज, इंग्लिश, हर्बल, देसी अदव्यास के अंदर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। और दोस्तों जायके के अंदर ये कड़वा होता है, दोस्तों तबीयत में गर्म खुश्क होता है। दोस्तों चरायता जड़ी बूटी आपको आसानी के साथ हर ऑनलाइन हर्बल स्टोर से और पंसारी की शॉप से मिल जाती हैं। चलें दोस्तों ये तो थे चरायता जड़ी बूटी के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन, अब आ जाते हैं इसके यूजेस और बेनिफिट्स की तरफ। और दोस्तों चरायता जड़ी बूटी जो है बुखार के अंदर बेहतरीन है, स्पेशली पुराने जो बुखार होते हैं उसके अंदर बहुत ज़्यादा ये फ़ायदा देती है। और अक्सर गर्मी और सर्दी के जो बुखार होते हैं उसके अंदर भी इसे इस्तेमाल किया जाता है। और दोस्तों अनीमिया की बीमारी के लिए भी बेहतरीन है, यानी ऐसे अफराद जिनमें खून की कमी है, इसके इस्तेमाल करने से खून की कमी दूर हो जाती है। और दोस्तों खून को ये साफ करती है, और दोस्तों जिल्द को ये निखारती है, जिल्द से कील, मुहासे, दद्दर, दांत, चंबल की बीमारी को दूर करती है। और दोस्तों हर किस्म की खारिश के लिए भी ये बेहतरीन है। और दोस्तों ये जिसम में से फालतू चर्बी को ख़त्म करती है। और दोस्तों मैदे के अल्सर के लिए भी बेहतरीन है, पेट के कीड़ों को हला करती है। और दोस्तों ऐसे अफराद जिन्हें भूख नहीं लगती, वो अपनी खुराक के अंदर जो है चरायता को शामिल कर लें, कुछ अरसे के बाद उन्हें शिद्दत के साथ भूख लगना शुरू हो जाएगी। और दोस्तों ये जिगर की सेहत के लिए भी बेहतरीन है। और दोस्तों ये एंटी कैंसर प्रॉपर्टी ये रखती है, कोई जिसम में गलटी बन रही है, कोई ट्यूमर बन रहा है, जिसमें कोई सोजिश है उसे ये दूर करती है। और दोस्तों अक्सर लोगों को खाने के बाद गैस ट्रबल हो जाती है। और दोस्तों ऐसे अफराद जो है हाफ टी स्पून चरायता को ले लें तो खाने के बाद उनकी जो गैस की ये प्रॉब्लम है दूर हो जाती है। और दोस्तों खाने को ये हज़म करती है, मेटाबॉलिज्म को तेज़ करती है। और दोस्तों ऐसे अफराद के लिए भी बेहतरीन है जिन्हें मसल क्रैम्पिंग होती है, जिसम के अंदर मुख्तलिफ किस्म की जगह के ऊपर कड़लें पड़ती हैं, वीकनेस होती है, उनके लिए भी ये बेहतरीन है। और दोस्तों कुल मिला के इंसानी सेहत के लिए जो चरायता की जड़ी बूटी बेहतरीन है। चलें दोस्तों ये तो थे चरायता के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन, बेनिफिट्स, यूजेस, अब आ जाते हैं इसके साइड इफेक्ट्स की तरफ। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया, इस जड़ी बूटी की जो तबीयत है, जो मिजाज है, गर्म खुश्क है, तो इस वजह से गर्म मिजाज के लोग इसे नुस्खा जात के हवाले से ही इस्तेमाल करें। दोस्तों ये डॉक्टर किसी हकीम न्यूट्रन एक्सपर्ट के साथ मशवरे के बगैर इसे खुद से इस्तेमाल ना करें, अदरवाइज इसे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने से आपको चक्कर आ सकते हैं, मतली हो सकती है, आपको उल्टी हो सकती है। और दोस्तों इसकी जो मुनासिब खुराक है एक दिन के अंदर 5 ग्राम से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। चले दोस्तों ये तो चरायता जड़ी बूटी यानी स्वाटिया के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन, यूजेस, बेनिफिट्स और साइड इफेक्ट्स। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर मजीद आपका कोई सवाल है चरायता जड़ी बूटी के हवाले से तो जस्ट कॉमेंट के अंदर क्यूरी कीजिएगा, तो मैं आपको उसका ज़रूर रिप्लाई दूंगा। और दोस्तों मेरा दूसरा चैनल है ग्राफिक्स और आर्ट्स का कलर क्लाउड के नाम से भी सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों मेरे दोनों चैनल के बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट और नोटिफिकेशन मिलते रहे। और दोस्तों मजीद किसी भी वेजिटेबल, फ्रूट, हर्ब, स्पाइस मुझे खाने पीने वाली चीज़ों के बारे में इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, कोई बीमारी है, कोई साइकोलॉजिकल मसला है या कोई इशू है, कोई डेली टिप लेना चाहते हैं, किचन टिप लेना चाहते हैं, किसी केमिकल कंपाउंड के हवाले से भी पूछना चाहते हैं, तो जस्ट कॉमेंट के अंदर क्यूरी कीजिएगा। तो दोस्तों मैं आप लोगों को ज़रूर इसका रिप्लाई दूंगा और मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो भी बना दूंगा। चले दोस्तों अब मैं आपको मिलूंगा एक न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। मुझे इजाज़त दें कि जिला हाफिज़, टेक केयर।